सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एलईडी फ्लैशर की, जिसकी सर्किट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये एलईडी फ्लैशर की सर्किट है जिसमें आपको ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लग रहे, थोड़े ही कंपोनेंट लग रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है 9 वोल्ट की बैटरी, उसके बाद में 2 1 किलो ओम के रेजिस्टर 1 एंड 2, उसके बाद में 2 47 किलो ओम के रेजिस्टर, उसके बाद में D1 एंड D2 मीन्स के LED नंबर 1 एंड LED नंबर 2, D1 एंड D2, उसके बाद में है C1 एंड C2 जो कि दोनों कैपेसिटर है, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 माइक्रोफेराड, जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, और उसके बाद में है Q1 एंड Q2 जो कि हमारे दोनों ट्रांजिस्टर है, और उसकी वैल्यू है BC547। तो ये हो गए हमारे सभी कंपोनेंट्स। अब देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी में से पॉजिटिव में से वोल्टेज बाहर निकलेगा, उसके बाद में एक वोल्टेज नीचे आएगा और एक वोल्टेज साइड में जाएगा। यहाँ से भी सेम ही होगा, एक वोल्टेज नीचे आएगा, एक वोल्टेज साइड में आएगा। वैसे यहाँ पर तीसरा भी वोल्टेज नीचे आएगा और साइड में जाएगा, और लास्ट में भी नीचे आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा कि चारों वोल्ट रेजिस्टर में से वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज जो है वो चारों रेजिस्टर में से ड्रॉप होगा। उसके बाद में यहाँ 1 किलो ओम में से दोनों जो वोल्टेज बचे हुए है वो आएगा D1 एंड D2 में, यानी कि दोनों LED में। उसके बाद में यहाँ से जो आने वाला वोल्टेज है वो एक वोल्टेज इस तरफ जाएगा और दूसरा वाला नीचे की ओर आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, एक वोल्टेज इस तरफ आएगा और एक वोल्टेज नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो आने वाला वोल्टेज है, इसकी वजह से हमारा ये जो कैपेसिटर है वो होगा चार्ज। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से जो आने वाला कैपेसिटर में से वोल्टेज है उसको हमने लगाया है Q1 के साथ, और यहाँ से जो आने वाला कैपेसिटर में से जो आने वाला वोल्टेज है उसको हमने लगाया है Q2 के साथ। उसके बाद में क्या होगा कि जब भी ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज Q2 के बेस में आएगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो LED है वो होगी ऑन। अगर ये ट्रांजिस्टर के बेस में अगर ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये वाली LED होगी ऑन। वैसे ही सेम दूसरी बार ये वाला जो कैपेसिटर है ये होगा डिस्चार्ज, और यहाँ से जो आने वाला वोल्टेज है ये जाएगा Q1 के बेस में। तो ऊपर से आने वाला जो वोल्टेज है वो कलेक्टर में से अंदर जाएगा और एमीटर में से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर में से कलेक्टर में से वोल्टेज अंदर जाएगा यहाँ से और यहाँ से, और एमीटर में से बाहर निकलेगा, और एमीटर में से बाहर निकलने के बाद वो जाएगा वापिस 9 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव सप्लाई में। तो वो कब होगा, जब हमारा दोनों कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गए तब। सपोज एक बार एक डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वाली LED ऑन होगी, दूसरी बार ये वाला जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये वाली LED ऑन होगी। इसकी वजह से हमारी जो सर्किट है उसमें जो दोनों LED है ये 1x1 ब्लिंक होगी। तो ये है गाइस LED फ्लैशर, जिसकी वजह से हमें दोनों LED को 1x1 ब्लिंक करवाना है। तो ये हो गई इसका सर्किट डायग्राम। अभी हम देखते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स के, इसमें कौन से कॉम्पोनेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है। तो आइए देखते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स। सो गाइस, आपको इसमें लगेगा सबसे पहले ब्रेडबोर्ड, उसके बाद में 2 1 किलो ओम के रेजिस्टर, उसके बाद में 2 47 किलो ओम के रेजिस्टर, उसके बाद में 2 LED जो कि आप कोई भी कलर के ले सकते हैं, उसके बाद में 2 10 माइक्रो फेराडे के
कैपेसिटर, उसके बाद में दो BC547 ट्रांजिस्टर, फिर है 9 वोल्ट की बैटरी एंड बैटरी कैप, और लास्ट में है कुछ जंपर केबल्स जो कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने लेने हैं। और यहाँ पर है उसका सर्किट डायग्राम। सो गाइज, हम ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स। तो अभी हम देखते हैं कि यही वाली जो सर्किट जो कि हमारा एलईडी फ्लैशर है, इसको हमें प्रैक्टिकली ब्रेडबोर्ड पर कैसे माउंट करना है। तो आइए देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। तो गाइस, सबसे पहले हमें लेना है ब्रेडबोर्ड और बैटरी कैप, जो कि रेड जो है यह है पॉजिटिव के लिए और ब्लैक है नेगेटिव के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रेडबोर्ड के जो चार पार्ट है ए बी सी और डी, उसके ए पार्ट में हम लगाएंगे पॉजिटिव और डी पार्ट में लगाएंगे नेगेटिव। तो ए पार्ट के पहली वाली होल के पहली वाली लाइन के पहले वाले होल में हम लगाते हैं पॉजिटिव, उसके बाद में डी पार्ट के लास्ट वाली लाइन में पहले वाले होल में लगाते हैं नेगेटिव। उसके बाद में हमें लगाना है 1 किलो ओम का रेजिस्टर जो कि ये वाला है। तो इसको हम करते हैं बैंड, उसको हम लगाएंगे यहाँ पर जहाँ पर हमने पॉजिटिव लाइन लगाई है उसमें, उसकी लाइन में हॉरिजॉन्टली हम लगाएंगे रेजिस्टर का एक टर्मिनल, और उसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम लगाएंगे बी पार्ट में कहीं पर भी। तो ऐसे हमने लगा दिया है, तो हमारा रेजिस्टर लग गया वर्टिकली। उसके बाद में हम ये जो दूसरा वाला रेजिस्टर है वो लगाएंगे जो कि 47 किलो ओम का है, तो वो भी ऐसे बेंड करके सेम ऐसे ही लगा देना है आपको, लेकिन थोड़े बहुत होल छोड़ के। तो ये भी हमने वैसे ही सेम लगा दिया। उसके बाद में फिर से ये जो तीसरा वाला रेजिस्टर है उसको भी आपको सेम ही लगाना है ऐसे 5-6 होल छोड़ के, और उसकी वैल्यू भी है 47 किलो ओम। और वैसे ही लास्ट वाला जो हमारा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 1 किलो ओम, तो उसको भी हम लगा देंगे सेम वैसे ही। तो ये हमारे चारों रेजिस्टर यहाँ पर लग गए हैं। तो ये हमारे चारों रेजिस्टर लग गए। अब हम लगाते हैं ये वाली दोनों एलईडी। तो सबसे पहले एक एलईडी ली जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव हमें लगाना है पहले वाले रेजिस्टर के साथ, तो इसको हम बी पार्ट में हॉरिजॉन्टली लगाएंगे, बी पार्ट में हॉरिजॉन्टली। लेकिन इसका जो पॉजिटिव है ये ऊपर वाले रेजिस्टर की वर्टिकल लाइन में आएगा, ये ऊपर वाले रेजिस्टर की वर्टिकल लाइन में आएगा। वैसे ही सेम दूसरी वाली एलईडी जिसका पॉजिटिव हमें लास्ट वाले रेजिस्टर के साथ लगाना है। तो हमने एलईडी लगाई हॉरिजॉन्टली, लेकिन उसका जो पॉजिटिव है वो आया रेजिस्टर की वर्टिकल लाइन में। उसके बाद में हम लगाएंगे ये दोनों कैपेसिटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर का एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसका भी सेम एलईडी की तरह ही है, पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल होगा वो बड़ा होगा और नेगेटिव वाला जो होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर एलईडी के साथ हमें इसका लगाना है पॉजिटिव, और दूसरे रेजिस्टर के साथ हमें लगाना है उसका नेगेटिव। तो एलईडी के नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में हमें लगाना है पॉजिटिव, और यहाँ से जो दूसरा रेजिस्टर है इसकी वर्टिकल लाइन में हमें लगाना है कैपेसिटर का नेगेटिव। वैसे ही सेम दूसरा कैपेसिटर, तो उसको भी हम डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं दूसरी एलईडी और रेजिस्टर के साथ। तो ये से लग गया है। अब हम लगाते हैं ट्रांजिस्टर। तो दोनों ट्रांजिस्टर हमारे पास BC547 की वैल्यू के, जो अगर आपने ऐसे पकड़ के रखा है ट्रांजिस्टर को, तो ये वाला जो है टर्मिनल वो है कलेक्टर, बीच वाला जो है वो है बेस, और लास्ट वाला जो है वो है एमिटर। तो इसको मैं यहाँ पर सी पार्ट में कहीं पर भी लगा देता हूँ अभी,
ऐसे। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा है वो भी लगा देते हैं हम ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जंपर केबल्स लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि एलईडी का नेगेटिव, एलईडी का नेगेटिव और कैपेसिटर का पॉजिटिव, उसकी लाइन में से एक जंपर केबल लगाना है। उसकी लाइन में हमें एक जंपर केबल लगाना है और जंपर केबल का दूसरा टर्मिनल ये वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में लगाना है, ये वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में लगाना है ऐसे। तो ये हमने लगा दिया है। वैसे ही सेम इस तरफ भी हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक जंपर केबल लगाएंगे जो कि एलईडी और कैपेसिटर के साथ लगेगा और उसका दूसरा टर्मिनल लगेगा कलेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे लग गया है। उसके बाद में हमें लगाना है बेस। तो हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर का बेस, उसके साथ हम जंपर केबल का एक टर्मिनल लगाएंगे और इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसको हमें लगाना है ये वाले दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ। ये अभी इस कैपेसिटर के साथ नहीं लगेगा, इसको हमें लगाना है ये वाले कैपेसिटर के साथ, ये वाले कैपेसिटर के नेगेटिव में, यानी कि नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में। तो ऐसे हमने लगा दिया है। उसके बाद में ये दूसरा जंपर केबल, इसको हमें लगाना है दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस में। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमें लगाना है ये वाले कैपेसिटर के साथ, ऑपोजिट साइड के कैपेसिटर के साथ। तो उसके नेगेटिव के साथ हमने लगा दिया, यानी कि उसके नेगेटिव की वर्टिकल लाइन में। तो उसके बाद में ये वाले तो कनेक्शन हो गए, यानी कि जो दोनों ट्रांजिस्टर के कैपेसिटर के साथ कनेक्शन है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की लाइन में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद में ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है उसको हमें लगाना है एमिटर पर जंपर केबल, और एमिटर के जंपर केबल का जो दूसरा कनेक्शन है इसको हमें लगाना है नेगेटिव में, इसको हमें लगाना है नेगेटिव में। और उसके बाद में जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका एमिटर भी लगेगा नेगेटिव में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सर्किट रेडी हो चुकी है। और इसके बाद में हम देखते हैं इसका वर्किंग कि ये सर्किट वर्क कैसे करते हैं। तो आइए लगाते हैं बैटरी। तब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सर्किट जो है ये पूरी की पूरी कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलईडी है ये दोनों एलईडी वन बाय वन ब्लिंक हो सकती है। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो आपको जो यहाँ पर जो दोनों रेजिस्टर दिखाई दे रहे हैं जिसकी वैल्यू है 47 किलो ओम, उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको चेंज करके इसकी जो स्पीड है एलईडी की ब्लिंक होने की उसकी स्पीड को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।